The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. उज्जैन जिले के तराना से खबर है, जहां पुलिस ने नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा अवैध सट्टा जुआ के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर तराना पुलिस द्वारा एसडीओपी राजाराम आवासिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय मंडोई को मुखबिर की सूचना पर फारूक खान निवासी पाला मोहल्ला राम सिंह कॉलोनी तराना का सट्टा अंकों का निकलकर रुपयों पैसों की हार जीत का दाव लगाकर लोगों से अपने घर के पीछे कमरे में ले रहा था। वही उक्त सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम बनाकर उक्त मकान पर दबिश दी गई। उक्त मकान में दो व्यक्ति फारूक खान निवासी पाला मोहल्ला को पकड़ा, जिसके पास से एक रजिस्टर जिसमें सट्टा के अंक लिखे मिले और लिट पेन कैलकुलेटर दो मोबाइल लावा कंपनी के साथ सट्टा रकम बरामद हुई है। साथ ही दूसरे का नाम पता पूछने पर अपना नाम कन्हैया लाल बताया गया। उज्जैन तराना से शेखर कुशवाहा की रिपोर्ट। किस प्रकार की कार्रवाई की गई आपके द्वारा? जी सामाजिक जो बुराई है उसको खत्म किया जाए जी, और उसी तारतम्य में सट्टा अभियान के खिलाफ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसमें आज मेरे स्टाफ ने उप निरीक्षक चौधरी जी, बाबूलाल चौधरी, आरक्षक मांगीलाल रामेश्वर, आदिराम सुनील दीपक, इन सब ने मिल के एक फारूक नाम के लड़के को सट्टा घाते उसके घर से पकड़ा है। 20,000 रुपये मिले हैं और सट्टे के कर्ज मिले हैं। सर सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कुछ फरार भी है? एक सट्टा लगाते हुए पकड़ा है, एक को लगाते हुए पकड़ा है, फारूक सट्टा नहीं कराना, ये जिसको देता था सद्दाम को वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी बाद में। सर लगातार जो सट्टा माफिया कार्रवाई जो आपके द्वारा जो चलाई गई, ये लगातार चलती रहेगी या ये लगातार चलती रहेगी? सामाजिक बुराई को खत्म करना ही है। थैंक यू सर।